हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 3 के विज्ञान में पाठ 2 परिवेशीय जीव जंतुओं के बारे में बात करने वाले हैं। परिवेशीय जीव जंतु क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे, कैसे हम उनको पहचान सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो परिवेशीय का मतलब हमने इसके पहले चैप्टर में भी बताया है आप लोगों को, हमारे आस पास जो भी हैं उसको हम परिवेश कहते हैं। परिवेशीय जीव जंतु यानी जो हमारे आसपास जीव जंतु हैं, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, खच्चर, जो भी है गधा, तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। चिड़ियाँ हैं, कई सारी चिड़ियों की प्रजातियाँ होती हैं। उसमें है सबसे पहले जीव जंतुओं की पहचान। जीव जंतुओं की पहचान हम कैसे करेंगे, आज हम आपको ये बताते हैं। तो सबसे पहले है उनके शरीर की बनावट से, उनके शरीर की बनावट से हमें पता चल जाता है कि कौन सा जंतु कौन है। जैसे गाय को, भैंस को, कुत्ते, बिल्ली को हम उनके शरीर की बनावट से पहचान सकते हैं। कुछ जंतु छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ जो है चार पैर से चलने वाले होते हैं, ज़्यादातर वैसे चार पैर वाले जंतु ही होते हैं। पक्षी हैं, पक्षियों के बारे में कैसे हम जानेंगे, तो उनके शरीर की बनावट से पता चल जाता है कि कौन सा जंतु कौन है। फिर उनके रंगों से भी हम जीव जंतुओं की पहचान कर सकते हैं। उसके बाद है पंख से, पंख तो चिड़ियों की ही होती है, तो उसमें कौन सी चिड़िया किस प्रजाति की है, कौन चिड़िया का क्या नाम है, इसको हम उसके पंख से बता सकते हैं। और फिर है पंजे और चोंच से, पंजों की बनावट में भी चिड़ियों के फर्क रहता है, उनकी चोंच की बनावट में भी फर्क रहता है, तो उससे भी चिड़ियों की प्रजातियों की पहचान होती है। उनकी बोली से, जैसे हमारी आवाज़ होती है वैसे ही जीव जंतुओं पक्षियों की सबकी अलग अलग आवाज़ें होती हैं, तो उनकी आवाज़ों से भी पता चल जाता है, आवाज़ सुन के ही पता चल जाता है कि कौन जीव जंतु है ये। ठीक है, उसके बाद है जीव जंतुओं की सूची में, अगला टॉपिक है हमारा जीव जंतुओं की सूची। उसमें है जैसे कई तरह के जीव जंतु होते हैं, कुछ जमीन पर चलने वाले होते हैं, कुछ रेंग कर चलते हैं, कुछ जो है पानी में रहते हैं तैरते हैं, कुछ आसमान में उड़ते हैं। तो एक काम आप लोग भी करिएगा, इसमें जो एक जीव जंतु की आप अपने सूची बनाइएगा अपने अनुसार, उसमें आप किसी भी जीव जंतु का नाम डाल सकते हैं। जैसे चलने वाले जंतु कौन कौन से हैं, रेंगने वाले जंतु कौन कौन से हैं, कूदने वाले कौन कौन से हैं, उड़ने वाले कौन कौन से हैं, तो इसकी आप लोग भी एक सूची बनाइएगा, इससे आप लोगों को थोड़ा और नॉलेज होगी। वैसे थोड़ा बहुत हम इसके बारे में बता रहे हैं। चलने वाले जीव जंतु जैसे हो गया कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल, भैंस, गधा, घोड़ा, तमाम ऐसे ढेर सारे हैं। फिर है कूदने वाले हो गए, जैसे बंदर है, आप लोगों ने देखा होगा एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कैसे कूद कूद के जाता है। खरगोश है, वो भी उछल कूद कर ही आगे बढ़ता है आदि। फिर है रेंगने वाले जीव जंतुओं के बारे में भी आपने देखा ही होगा, बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे सांप है, बिच्छू है, छिपकली है, कलखजूरा है, तो ये सब जमीन पे रेंग के चलते हैं। और फिर है उड़ने वालों में तो सारे पक्षी ही उड़ते हैं, सारे जितने भी हैं, चिड़िया, गौड़िया, कबूतर, चील, बाज और कीट पतंगे, जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, तो ये सब उड़ने वाले आते हैं। इसी तरह से अगर आप लोगों को भी कुछ और समझ में आता है इन जीव जंतुओं की सूची में, तो आप अपने तरफ से और ऐड कर सकते हैं, तो इससे आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी और आप लोग भी अपनी ये सूची बनाइएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगला इसका नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।